देख रहे हैं आप डी नेटवर्क और मैं हूं अभिषेक। आज आपको पिछले एपिसोड में दिखा चुका हूं कि ये 14 जनवरी से मकर संक्रांति पे इस गोदावल मेला का महासम्मेलन शुरू होता है और मैं जैसे कि मैं दिखा चुका था इस मेले में काफ़ी चहल पहल होती है। तो उस दिन मुझे ऐसी चहल पहल देखने की नहीं मिली क्योंकि वो शुरुआती दिन था, लेकिन आज जो आपको चहल पहल देखने को मिलेगी वो आपको हैरान कर देगी क्योंकि आपको ऐसा इस विशाल मेला के बारे में शायद सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा। पहले हम उस विशाल मेला पहुँचने से पहले कुछ यहाँ पे पावन धरती है, श्रद्धा लोग यहाँ पे शिव जी की विशाल मूर्ति बनाई जिसे मैं दिखाया था, उसके बारे में कुछ चर्चा भी किया था अपने विशिष्ट अतिथियों से और उनके बारे में दिखाया भी नहीं था। लेकिन अब जैसे देखेंगे, मैं कैमरेमैन से निवेदन करूँगा कि वो दृश्य शिव जी के मंदिर की तरफ ले चले और वो देखेंगे कि किस तरह विशाल मंदिर से बनाया गया है यहाँ पे इस गोदावल धाम पे, इस पावन धरा पे लोग देखने के आते हैं। और मैं ले चलता हूँ आपको उस पावन धरा पे जो जिस तरह हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी माताएं जैसे शारदा माता का मैहर में काफ़ी फेमस है, उसी तरह यहाँ भी गोदावल धाम में काफ़ी ऊंचाइयों चढ़ने के बाद हमें शिव जी की दर्शन विशाल मूर्ति के दर्शन करना पड़ता है। चलिए तो मैं लेके चलता हूँ, आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जा रहा हूँ किस तरह ऊबर खूबर रास्ते से पत्थरों के रास्ते से मैं गुजरना पड़ता है और देख रहे हैं कि श्रद्धालु किस तरह इन उथल पुथल रास्तों से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, कितनी थोड़ा कठिनाई सामना करता है क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए हमें थोड़ा कुछ ऊंचाइयों का सामना करना पड़ता है ताकि चढ़ने बहुत सारी दिक्कत होती है। जैसे देख रहे हैं काफ़ी तादाद यानी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। भक्तों की इसमें भीड़ लगी हुई है और यहाँ भक्तों से हम चर्चा करना चाहेंगे कि कैसा लगा शिव जी के दर्शन करने पर। जैसे कि ये भक्त आ रहे हैं, इनके माथे पे देख सकते हैं कैसे टीका लगा हुआ है। सर आपका नाम क्या है? सर मैं सोनेलाल पटेल बोल रहा हूँ। सोनेलाल पटेल जी, अभी बताइए आप शिव जी का दर्शन करके आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सर आपको? बहुत अच्छा लगा सर आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर आप ये बताइए, दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें जो गोदावल धाम नहीं आए हैं? नहीं, उनको तो ये सोचता हूँ आकर यहाँ दर्शन करें जी, अच्छा से रहें। जी जी, तो जैसे भक्त कह रहे हैं कि अगर जो श्रद्धालु यहाँ नहीं आए हैं गोदावल धाम में वो इस धाम में आए और शिव जी के दर्शन से दर्शन करें और उनका यहाँ के आके गोदावल मेला का आनंद उठाए। तो आप देख रहे हैं आमडी नेटवर्क और मैं हूँ अभिषेक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नदी थी, उसको बांध के एक छोटा सा बांध बनाया गया ताकि पानी को अधिक से अधिक संरक्षित करने सके, पानी की कोई प्रॉब्लम ना आए, पानी लोग ज़्यादा पानी सुविधा मिल सके। और आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा बांध बनाया गया है पानी को संरक्षण करने के लिए ताकि भक्त जो आ रहे हैं श्रद्धालु उनको पानी की कोई कमी ना हो। और आपको दिखाना चाहूँगा इस शिव जी के मंदिर पर काफ़ी भीड़ लग रही है भक्तों की, धीरे धीरे देखते जाएंगे, समय बढ़ता जाएगा और भक्तों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधे शिव जी के मंदिर पे। आपका थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा आपको शिव जी के दर्शन के लिए। भक्तों की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यहाँ पे कुछ भक्त दर्शन करके आ रहे हैं। सर आप शिव जी के दर्शन कर लिए? मैं तो सब पूछना चाहूंगा, आप कितने दिन से मेला आ रहे हैं? मुझे तो 20 साल से ऊपर हो गए। 20 साल से ये प्रत्येक साल कितनी बार कितने दिन तक मेला कर चुके हैं? अभी तो आज पहला दिन, है आज पहला दिन है, मेला घूम रहे साथ में शिव जी के भी दर्शन करने जा रहे हैं। कैसा लगेगा आप यहाँ पे? बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता है कि 2-3 सालों से यहाँ पे शिव जी के मंदिर में कुछ विशाल परिवर्तन किया गया है, विशाल मूर्ति बनाई गई है, यहाँ पे देख रहे सीढ़ियों की काफी व्यवस्था की गई, पूरा परिवर्तन। कैसा लग रहा है आपके यहाँ के
परिवर्तन के बारे में? पहले तो पहाड़ बस थे, अब तो पूरी सुविधा है ऊपर नीचे आने जाने की, उतरने की, उतरने की। जी बाबा है, दर्शन करने को मिलता है। जी जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे दर्शन करके? घूमने के बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन तक मेला आए हैं यहाँ पे अभी? पहला दिन तो जैसे देख रहे हैं कि पहला दिन है आज का इनका मेला, और यहाँ पे आके दर्शन कर रहे हैं। मेला से घूमते सीधे सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हमें शिव जी के विशाल दर्शन करने का मौका मिलता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक नहीं आए तो आप इस गोदावर विशाल मेला में आ पाए और शिव जी के विशाल मूर्ति का दर्शन करें। भगवान के दर में हर भक्त आते हैं। जैसे बाबा आए हुए हैं, मैं बाबा से कुछ चर्चा करना हुई। कहाँ से आए हैं बाबा? आप कहाँ से आए? बाबा रीवा जिला से आए हैं। बाबा आप कितने दिन से आए? 15 साल से आ रहे हैं। इस साल में कितने दिन हो गए आपको आए? भक्त आते हैं, आपको कैसा लगता है? अभी भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बहुत अच्छा लगता है। भक्तों को आप टीकाकरण करते हैं, क्या आप मुझे टीका करेंगे? जैसे बाबा हाथ में भी कुछ बांधते हैं इसमें, तो जैसे देख पा रहे हैं सभी भक्त आए और भगवान के आशीर्वाद के स्वरूप में टीका लगवाए बाबा जी से और इनसे रक्षा सूत्र बनवाए ताकि भगवान हर भक्तों को अपने खुशहाल रखते हैं, हर तरीके से आपको सुरक्षा करते हैं। बाबा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बाबा। जय शिव जय। चलिए शिव जी के दर्शन कर लिए हैं और आए हैं हम इनसे कुछ चर्चा करें। सर आपका नाम क्या है? सुरेंद्र पटेल। सुरेंद्र जी आप ये बताइए, शिव जी के दर्शन कर लिए आपको? जी बिल्कुल। और यहाँ के धाम के बारे में दो शब्द दर्शकों को बताइए। ये धाम अपने जो क्षेत्र में बहुत अच्छा है और बहुत सबसे बड़ा कहा जा सकता है। जी जी। और यहाँ से बहुत सारे यहाँ तक शहडोल कटनी इधर बहुत मतलब 150-200-500 किलोमीटर से लोग भी आते हैं और यहाँ के पावन धारा को देखने के लिए। क्यों सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जी जी मना रहे हैं। जी जी, तो जैसे बता रहे हैं कि काफी सालों से यहाँ पे भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। जैसे कि आप मेला के चहल पहल को देखा, ये मेला भी लगता है यहाँ पे शिव जी के विशाल मंदिर बनाई गए। सर सर आपको कैसा लगा शिव जी के मंदिर? बहुत अच्छा लगा सर। हम लोग काफी लेट आए थे मगर यहाँ देखो कि बहुत भीड़ है। जी जी। और ये गोदावर धाम हमारे क्षेत्र में स्थान है, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अगर आप अभी तक नहीं आए हैं तो आप अभी वक्त है। अभी इस बार क्या 14 तारीख से 7 दिनों का मेला होता था, लेकिन इस बार भक्तों को देखते हुए 10 दिनों का मेला किया, कह रहे हैं कि 14 तारीख से लेकर 24 तारीख का मेला का समय बढ़ाया गया है। अभी आप नहीं आए हैं, इस वीडियो के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि आप यहाँ पे आए और एक बार इस पावन धारा का दर्शन जरूर करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ में एक बगल में एक चहल पहल मेला लगता है जो 14 दिन का होता है, काफी मनोरंजन ही होता है और दर्शनीय होता है, तो आप जरूर आए। यहाँ पे बड़े भक्त आ चुके हैं, मैं उनसे दर्शन करना चाहूंगा इस शिव जी के विशाल मूर्ति के बारे में। सर तो आप अपना नाम बताएं सर। विपिन सर। आपका सर? सौरभ मिश्रा। सौरभ आप बताएं। अंकित जी आप बताइए सर, शिव जी के विशाल मूर्ति के दर्शन के आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। आपको सर? बहुत अच्छा। आपका सर? बहुत अच्छा। सभी को आप बहुत ही अच्छा लगा शिव जी के विशाल मंदिर। ये बताइए प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में कुछ कहेंगे आप यहाँ पे? प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ आज से नहीं उन पुरातन काल से बना हुआ है। जी जी। ये व्यवहारिक क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है और यहाँ बहुत अच्छे मतलब साल का है जनसंख्या आती है मेला करने। जी जी। और बहुत अच्छा मतलब शिव जी का मंदिर है। जी जी। इस वर्ष यहाँ 11 दिन का मेला लगा हुआ है। इस बार 11 दिन का मेला लगा हुआ है, बाकी 8 दिन का लगता था मेला, 11 दिन का लगा हुआ। जी जी सर आप। हाँ मेला काफी बड़ा है। जी कहते चहल पहल को। जी जी एंजॉय करिए। पीछे लगी हुई है भक्त से दर्शन। मैंने कहा था कि गोदावर मेला छोटा मेढा मेला नहीं है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है लोग की भीड़ धीरे बढ़ती जाती है और देख रहे हैं जिस रास्ते पे चलना मुश्किल पड़ जाता है लेकिन भक्ति कभी नहीं पड़ती है। और यहाँ पे देख रहे हैं काफी भीड़ लग रही है, आपको ले चलता हूँ सीधे शिव जी के विशाल मंदिर। दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कुछ उनके चढ़ाने के लिए नारियल रिवरी वगैरह जैसे अगरबत्ती वगैरह लेके जाते हैं, जैसे कि भक्त बैठे हुए। सर आपका नाम क्या है? सोनू यादव। सोनू जी आप यहाँ कितने दिन से आए? सोनू जी 3 दिन हो गए। 3 दिन आपको हो गए, आप नारियल के वो बिक्रे कर रहे हैं यहाँ पे, भक्त को कैसा लग रहा है? भीड़ देखते बढ़ रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। ये गोदावर मेला में कब से आ रहे हैं आप यहाँ?
हमें 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। जैसे देख रहे हैं भक्त धीरे धीरे आते जाते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं, वो यहाँ नारियल देते हैं ताकि भक्त यहाँ पे शिव जी के विशाल मंदिर जाके नारियल की श्रद्धा पहुँचा सके। यहाँ चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे शिव जी के निकट हम पहुँचते जा रहे हैं। कुछ क्षण पश्चात हम शिव जी के विशाल मंदिर का दर्शन कराएंगे। आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बस उन कुछ क्षण पश्चात हम शिव जी के विशाल मंदिर पहुँचने ही वाले हैं। आपका सर? मुझे दुबे। आपका सर? मेला कितने दिनों से आ रहे हैं सर आप? मैं अभी फर्स्ट डे आया हूँ। फर्स्ट डे आए हैं आप, मेला देखे बहुत कैसा लगा? शानदार, एक नंबर। दर्शकों को कुछ कहेंगे जो नहीं आए हैं इस मेला में? वो भी आए और यहाँ का दर्शन करे और मेला का मनोरंजन करे। सर आपने शिव जी का दर्शन कर लिया? अभी जा ही रहा हूँ। देख रहे हैं सीढ़ी के चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, लेकिन सीढ़ी इतनी ऊंचाइयों तक है कि चढ़ना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। उनको थोड़ा रेस्ट लगना पड़ता है। यहाँ पे रेस्ट की भी सुविधा की गई, यहाँ बैठने की भी सुविधा की है ताकि भक्तों को किसी तरह कष्ट या असुविधा का सामना न करना पड़े। करके आ रहे हैं सर, मैं एक बार जोर से नारा लगवाई सर, भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे शोर शराबे, जैसे भक्त की शोर गुल बढ़ रही है, भक्तों की जयकार कर रहे हैं। सर आप शिव जी दर्शन कर कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा लगा, एक नंबर का है। बहुत अच्छा लगा सर आपको? अच्छा। सर आपको यहाँ पे अकेले आए, आप परिवार के साथ आए सर? आज चाचा जी और भतीजी आए हैं दर्शन करने के लिए और दोस्त भी यहाँ पे शामिल हैं। आप भी बोलेगा शिव जी की बोले। वैसे देख काफी भक्तों में श्रद्धा दिखाई दे रही है यहाँ पे, लेकिन भीड़ से हमें गुजरना पड़ता है। यहाँ पे देख रहे भक्तों की काफी भीड़ लगी हुई है, फिर भी हम आपको दर्शन कराने के लिए चलते हैं। यहाँ पे शिव जी के विशाल दर्शन के लिए आप आ सकते हैं, दिखाना चाहूंगा मैं आपको यहाँ से आपको शिव जी के विशाल दर्शन के लिए। चलिए तो आपको शिव जी के दर्शन का इंतजार खत्म हुआ और ले चलते हैं सीधे शिव जी के विशाल दर्शन के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं भक्त और नारियल की गूंज आपको सुनाई दे रही होगी, भक्तों के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे देख रहे हैं भक्तों की दर्शन कैसे भीड़ लगी हुई है। मेरा ऊपर जाने का उद्देश्य है कि ऊपर से नजारा इस गोदावर धाम का कैसा होगा, उस दृश्य को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो कैमरा मैन से मैं चाहूंगा थोड़ा ऊपर आए और यहां से भक्तों को, दर्शकों को गोदावर धाम का दृश्य दिखा।
स्थापित है और यहाँ भक्त बाबा जी यहाँ पे रहते हैं, शिव जी की देखभाल करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, काफ़ी भक्त आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और मैं बात करूँ तो ये मेला के समय में तो बहुत लोग आते हैं, पर मेला के समय के बाद भी हर समय लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। लोगों की मंशाएं होती है यहाँ पे कुछ दर्शन करने के लिए, कुछ इच्छाएं कामनाएं होती है यहाँ पे भगवान के समक्ष रखने की। तो मैं यहाँ पे पुजारी जी से संपर्क करना चाहूंगा, थोड़ा कुछ बात कर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित ललित कुमार दुबे। पंडित जी आप ये बताइए यहाँ कब से रह रहे हैं यहाँ पे शिव जी के इस भव्य दर्शन स्थान पे? मैं तो अभी तक कालिक हूँ। शिव जी का स्थान बहुत पुराना है जी जी, जो कि राजा बालम के जमाने से स्थान है जी जी, और अति प्राचीन है जी, अति सुंदर है जी, जो कि आप लोग स्वयं देख रहे हैं जी, बताने की कोई आवश्यकता जी, जरूर जरूर जी, अति सुंदर ही है जी जी, और शिव जी की महिमा तो कोई गा ही नहीं सकता, जी कर ही सकता जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी आप जैसे ही कह रहे हैं कि शिव जी की विशाल महिमा के बारे में गुणगान करना तो इतनी है कि कुछ किया नहीं कहा नहीं जा सकता। ये बताइए आप यहाँ पे रह रहे हैं, भक्त की काफी देखिए चहल पहल देखने मिल रही है बहुत, बहुत, पे। बहुत, बहुत, जब मेला का समय भी खत्म हो जाता फिर भी भक्त का आना दौर यहाँ पे बना रहता है हमेशा हमेशा कह सकते हैं। यहाँ पे कुंड भी बना हुआ, उसके बारे में कुछ दो शब्द बताएं यहाँ पे कुंड का। कुंड बहुत ही प्राचीन था जी, ताकि बहुत ही गहरा था जी, ये जो हमने बड़े लोगों से सुना है जी जी, कम से कम कहावत बनी है कि 12 खटिया का जो है जी जी, उसकी धागाएं जो उसमें डुबा दी गई तो भी उसका पारा वारा नहीं मिला है जी जी, और अति ही सुंदर है, अति ही सुंदर। चर्चा करेंगे, उनके भावनाओं को समझेंगे और उनकी भावनाओं को जानेंगे कि विशाल शिव जी के दर्शन के बाद उनकी कैसी मनोभावना है, उनके बारे में जानेंगे। सर आपका नाम क्या है? सर रामोतार जी बताइए आप यहाँ इस विशाल मेला या विशाल शिव जी के मंदिर में कब से आ रहे हैं? आप 20 साल से आ रहे हैं जी, लगातार जी जी, बढ़ता ही जा रहा है और समय यहाँ पे धीरे भीड़ भी बढ़ती जा रही है और यहाँ पे बाजार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी महत्व है यहाँ पे भीड़ तो आपको जैसे देख रहा है कि मेला का जो चहल पहल होता है वो भीड़ों से होती है, मेला एक दो लोगों व्यक्तियों से नहीं होती, मेला जब तब होती है जब काफी भीड़ होती है। सर आपका नाम कैसा? लक्ष्मीकांत जी बताइए मेला आप सबसे आ रहे हैं, सबसे आ रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि ये जो विशाल मंदिर है पहले ऐसा नहीं बना होता था, ये देखिए कि इस तरह जो विशाल मूर्ति है विशाल मंदिर होता है ये कम जगह बनाई जाती है। अगर मैं बात करूँ इस विशाल बिहारी मेला की बात करूँ या विशाल सिटी की साथ की बात करूँ बहुत ही विशाल है, प्राचीन का है ना, और यहाँ पे इस तरह दृष्ट कहीं देख आसपास देखने को नहीं मिलता है। ये शहडोल जिला मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में के बिहारी विधानसभा के क्षेत्र पास एक गुदावल है, मेला लगता है वहाँ पे, एक पर्वत है जहाँ पे शिव जी का विशाल मंदिर बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे भक्त बहुत दर्शन करने आते हैं और उनके दर्शन से अपने मनों को मनोरंजन बढ़ाते हैं, साथ में यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है। सर यहाँ पे चहल पहल कैसा रहेगा? यहाँ चहल पहल बहुत ज़्यादा रहता है, 14 तारीख से लेकर 21 तारीख को फुल मेला लगता है, यहाँ कम से कम 50 साल 60 साल से यहाँ कहीं मेला चल रहा है जी जी, गुरुगोली से मेला चल रहा है, हम लोग छोटे छोटे रहे हैं करीब 8 साल 9 साल सब से यहाँ रहे जी जी, आज हमारे 45 साल की हो गई जब से यहाँ मेला लगा है, यहाँ से कहीं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर साथ में आते हैं मेला करने के लिए। जैसे कि बताया कि यहाँ पे जो भक्त हैं यहाँ पे वाहन से भी पैदल से भी आते हैं, 10-10 किलोमीटर से लोग पैदल ही आते हैं, 50-50 किलोमीटर से लोग पैदल आते हैं इस भव्य विशाल मंदिर दर्शन करने और इस मेले का आनंद उठाने के लिए। सर आप दो सब ये बताएं कि इस मेले में काफ़ी चीज प्रवृत्ति है, सरकार भी नजर नहीं पड़ रही, तो सर यहाँ पे जो सुविधाएँ कैसी हैं? सुविधाएँ बहुत जबरदस्त बढ़ी इस बस को और सर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बहुत जबरदस्त जनप्रतिनिधि भी है और जनमानस भी गजब गजब सहयोग, और जो प्रगति है सभी के सहयोग सहयोग से। सर
सर यहाँ पे सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा हुआ ताकि लोगों को कोई किसी चीज का प्रसार ना हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि सरकार हर तरह से मुहिम उठा रही है, हर तरह से नजर डाल रही है ताकि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, उनकी सुरक्षा के लिए हर कदम उठा रही है। तो आप लोगों से बहुत मिलकर अच्छा लगा सर, धन्यवाद। गुड़ावल मेला की जय, गुड़ावल मेला जय। हमें ही यहाँ एक तपोभूमि भी है जहाँ पे प्राचीन कथाएं हैं, लोगों की मंशाएं हैं कि यहाँ पे गैप दास महाराज जाके इस जहाँ रह के तपोवन करते तप करते थे, यहाँ पे इसे तपोवन की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये काफी प्राचीनतम है, यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे, उनके उनके बारे में कुछ जानेंगे। आइए ले चलते हैं। आप दास जी यहाँ पे तपो करते थे, मैं उनके कुछ जने का निरीक्षण करके आपको दिखाना चाहूंगा। कैमरे मन आप आए और यहाँ के विशाल दृश्य को आप दिखाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आत्मनिष्ठ गैवनाथ जी महाराज यहाँ पे तप करते थे। यहाँ पर हमारे सन 1950 जी हमारे महाराज जी गैप जी यहाँ के बहुत बड़ा इसको ऐतिहासिक माना जी। यहाँ उनके गुरु भाई भी बहुत थे जी, बहुत आत्मज्ञान को उन्होंने संस्कार दिए थे, आत्मज्ञान का उपदेश करते थे जी, और अच्छे कर्म भूमि है उनकी, यही व्यवहारी में ही उनकी समाधि भी बनी हुई जी जी। अब उनके आज जो 14 आश्रम जी, उनके आज उत्तरदायित्व पूर्णा में पूर्णा जी है और हम लोग जो भाई हैं हम लोग बचपन से उनके आदर्श में चल रहे हैं जी, सेवा करते हैं जी और रहे हैं जी। तो जैसे बताया कि यहाँ पे गैपदास संत महाराज जी के नाम से 14 आश्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे देख के आपको बहुत ही अंदर है, यहाँ पे जो बना है इसको बंद किया गया ताकि कोई दिक्कत ना आए, यहाँ पे आवश्यक लोग अनावश्यक लोग यहाँ पे जा ना सके, और यहाँ पे लॉक किया गया। ये बहुत ही अंदर तक इसकी गहराई है, यहाँ पे लॉक किया गया ताकि कोई कष्ट ना हो, किसी प्रॉब्लम ना हो, यहाँ तक इसको बंद किया गया। जाके इसके दर्शन कराना चाहूंगा, ये सब जो काट के पहाड़ की जो कक्ष बनाए गए हुए हैं यहाँ पे देखे गए थे, यहाँ से अंदर ही अंदर बहुत सारे कक्ष बनाए गए हुए हैं, यहाँ पे भक्त रह रहे हैं। सर आप यहाँ कब से रह रहे हैं सर यहाँ पे? पैतालीस साल हो गए महाराज जी में जुड़े जी जी, लेकिन परमानेंट 3 साल हो गए जी जी। जिस तरह शिव जी की मूर्ति है उसी तरह विशाल भक्त है शिव जी के। सर आप देख रहे हैं चंदन वंदन लगा रखे हैं सर, बहुत ही बड़े भक्ति के सर। एक महाकाल के दो शब्द हो जाए सर आपको, महाकाल के बाबा महाकाल की जय, भोलेनाथ की जय, मेला धाम की जय। बहुत अच्छा लगता है जी, और यहाँ से मुलाकात भी हो जाता है, मेला मिलन का कार्यक्रम है, बहुत अच्छा लगता है, साथ एक बार आता है जी, और ऐसे ही सब लोगों का यारी दोस्ती बने रहे जी। है ना? काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल, कहते हैं काल भी वो क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बहुत बहुत यही कुंड है जो राजा बालन के समाने की जो एक कथाएं कही जाती है, कुंड है जो राजा बालन के समाने में बहुत ही प्राचीनतम थी, इसकी कथाएं हैं जो 4 शब्द में कही जाती है कि 12 घाट की जो बाधाएं हैं उनको उनकी गहराई नापी गई, फिर भी गहराई नहीं नापी गई थी। ये वही प्राचीन कुंड है जो पवित्र माना जाता है। लोग इसके स्नान से अपने आप को
शुद्धि करके मानते हैं। ये मैं कहूँगा कि वही कुंड है जिसको अभी सरकार की जरा इसे अब धीरे धीरे बांध के रूप में बना रही है और यहाँ कार्य को संरक्षण कर रही है। सर आप बताएंगे इस कुंड के बारे में, दो शब्द सर क्या सुने हैं आप इसके प्राचीन के बारे में? जी जी, और हमारे सयाने भी नहीं जानते मतलब कब का है, कब कैसे इसका उद्गम हुआ था। जी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं बालम के जमाने का है। जी 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 सर, आप कुछ इसके बारे में बता रहे हैं? हम तो जब से आए हैं भैया ये कुंड को जो कहते हो देखे थे। जी जी, ठीक है, बड़ा एक पवित्र मानी जा रही है, मतलब पूरी एरिया के लोग आके 14 जनवरी को यहाँ स्नान करते हैं।